जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ आने वाले कुछ दिनों की। आपको सितंबर तक क्या हाल देखने को मिलने वाला है, अगस्त के महीने की भी बात करूँगी और सितंबर की भी करूँगी। बट अभी एक सूर्य का राशि परिवर्तन होना है 17 अगस्त को, जिसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी और मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी राशियों को क्या क्या सावधानी देने की ज़रूरत है। और बट अभी इस वीडियो के अंदर मैं बात जो करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ मैं एक जनरल प्रिडिक्शंस की, जो आपको भी कुछ दिनों में चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप देख ही रहे हैं कि जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये जो मतलब इलेक्शंस आने ही वाले हैं, है ना, उससे पहले ये लड़ाई झगड़े आपको सुनने में आ ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ होए जा रहा है। कभी कश्मीर, केरल, फिर अब मणिपुर में हुआ, फिर अभी हरियाणा में हुआ रिसेंटली, है ना, अब आपको पश्चिम बंगाल की तरफ, तो वहाँ तो चल ही रहा है और होगा ही, है ना, वहाँ तो चीज़ें आपको सुनने में आएंगी ही। और अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरीके से षड्यंत्र करा जा रहा है भारत सरकार के विरुद्ध में, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ही रही हैं। और मैं आपको बार बार अलर्ट भी कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ट्रांजिट के बेसिस पे भी मैं आपको समझाती ही हूँ कि ये सारी चीज़ें, आपको पता है कि अभी सिंह राशि के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, जिस वजह से वीनस रेट्रो होने की वजह से आप देख रहे हैं कितना कुछ आपको सुनने को देखने को मिल रहा है ना। जो अभी 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं लव अफेयर्स के, और मैंने आप लोगों को बताया था कि रेप की भी दुर्घटनाएं आप सुन रहे हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, ठीक है। दक्षिण जो पश्चिम जगह है, मैं उसके बारे में हमेशा से मतलब काफ़ी टाइम से, 6-7 महीने से मैं रेगुलर बेसिस पे प्रिडिक्शंस दे रही हूँ कि वहाँ पर जो है आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और एक तरीके से मारक तरीके से वहाँ पर जो ये भूकंप और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, बारिश की वजह से जो वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, चक्रवात हो रहे हैं, है ना, आंधी तूफान, ये सारी चीज़ें जो आपको सुनने में आ रही हैं, तो वहाँ पर आपको भी काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें सुनने में आ सकती हैं। और एक तरीके से अगर मैं बोलूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा मनुष्यों को हानि होने के चांसेस बनते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जैसे कोरोना में काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी ना, कि काफ़ी लोग गड़बड़ हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, तो वो सारी चीज़ें अब आपको दोबारा से मतलब स्पेशली पश्चिम की साइड में ज़्यादा आपको सुनने में आ सकती है। वहाँ पर ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्षति कर सकते हैं अगर मैं बोलूँ तो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे कि शुक्र के साथ मंगल भी है, राहु की भी दृष्टि आ रही है ना, बुध भी, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं कि लूटपाट वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो होते हुए आपको सुनने में आ सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। ये तो वैसे चलता ही रहता है, बट इन दिनों में आपको ज़्यादा ये सारी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। और ऐसा ही रिसेंट इंसिडेंट मेरे साथ भी होते होते बचा, और शायद कह सकते हैं कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स थी। मैं रेमेडीज़ हमेशा फॉलो अप करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड जो आजकल OTP और के थ्रू बोला जाता है, ये सारी चीज़ें मतलब मेरे साथ भी हुई, तो बचाव ही हो गया एक्चुअली में, नहीं तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता था, ठीक है। इस बीच में आप जो लेडीज़ हैं वो गोल्ड एक्सेसरीज ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ कोई लूटपाट की बड़ी दुर्घटना, और उस वजह से कह सकते हैं कि मर्डर भी हो रहे हैं ना, जैसे लूटपाट कर रहे हैं तो वो लोग मार भी रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं करते कि चलो लूटपाट करी और निकल लिए, तो वो मारने की भी दुर्घटनाएं आप सुनने को मिल सकती हैं कि मर्डर ही इस वजह से कर दिया कि उनको लूटपाट करनी थी प्रॉपर तरीके से, है ना।
और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नदियाँ रास्ता बदलेंगी, उसके चांसेस हैं। कोई पहाड़ बिल्कुल कह सकते हैं कि गायब ही हो गया, वहाँ पर एक पहाड़ था, जैसे हम सुनते हैं ना कि उस तरफ जाएं तो वहाँ पर इतने पहाड़ हैं ये वो, ऐसे तो पहाड़ ही पूरा गायब हो सकता है। ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है। और मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि घूमने फिरने के लिए ये साल बिल्कुल भी ठीक नहीं है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर। अगर आपके प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो ही आप घूमने फिरने जाइए, अदरवाइज़ नहीं जाइए। ये मैं आपको साल के स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, है ना। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी कि पहाड़ों वाले एरियो में नहीं जाना, जहाँ पर पानी है ना, वहाँ पर आपको नहीं जाना। तो प्लीज़ उन जगहों पर जाना अभी भी आपको अवॉइड ही करना है। और बजाय वीडियोस बनाने के, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो ना, तो वो चीज़ करें। आजकल लोगों को एक हथियार मिल चुका है, वीडियो बनाओ, हर चीज़ की बस रिकॉर्डिंग कर लो और उसको बस पास ऑन करते रहो। उससे क्या होता है कि ना, आप ये दिखता है कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है। आपके सामने कुछ हो रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है या किसी के साथ कोई दुर्घटना घट रही है, बट आपके अंदर का इंसान है ना, वो मर चुका है, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको, ठीक है। उस चीज़ को वो बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है। किसी लोग हो सकता है कि किसी को ये चीज़ बुरी भी लगे, बट आप किसी की हेल्प करो ना, बजाय उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के। क्या पता आपके उस रिकॉर्ड ना करने से और उस किसी की हेल्प करने से, बचाने से, किसी को ज़िंदगी का दान मिल जाए, मतलब किसी की ज़िंदगी बच जाए। वो चीज़ करो बजाय इसके कि रिकॉर्डिंग करना और ये सब चीज़ें करना। बट आजकल लोगों ने फ़ोन का मिसयूज़ ही कर रखा है, हर चीज़ को बस रिकॉर्ड करना जानते हैं, मतलब बजाय उसके कि हेल्प करी जाए। तो वो चीज़ मत करिए। और अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं पिछले से ही टाइम से ही कुछ प्रिडिक्शंस आपको बता ही रही थी कि आपको ज़्यादा जो चीज़ें सुनने में आएंगी, ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने में आ सकती हैं अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में। तो प्लीज़ बार बार मैं बोलती हूँ कि आप घर पे रहकर भी भगवान से अरदास करिए, प्रार्थना करिए, और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करिए, ताकि जो प्लैनेट्स की पोजीशंस अभी बनी हुई हैं, ट्रांजिट्स ऐसे हो रहे हैं, गोचर ऐसा हो रहा है, तो उसका प्रभाव से लोगों की ज़िंदगी बची रहे, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना रहे लोगों पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये तो सारी आपको चीज़ें देखने को मिली ही रही हैं। और जो एक तरीके से ये अगस्त और जो सितंबर का महीना है, यहाँ पर जो मैं बात करूँगी ना, यहाँ पर आपको मैंने अभी पीछे अपनी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बोला भी था कि जब बारिश वाली दुर्घटनाएं होंगी तो करंट भी लगेंगे लोगों को, आग की दुर्घटनाएं भी होंगी, क्योंकि स्पार्किंग होनी शुरू हो जाती है काफ़ी सारे बिजलियों के खंभों पर, और ये सारी चीज़ें करंट की वजह से भी दुर्घटनाएँ आपको सुनने को मिल सकती हैं, है ना। तो उन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में जागरूक कराइए, समझाइए कि बेटा नहीं जाना है बिजली के खंभों से, थोड़ा दूर दूर होकर चलने की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ लोग, बारिश हो रही है ना, तो वो जो बीच में जहाँ पर पेड़ वगैरह बने लगे हुए होते हैं, खंभों के बिल्कुल साथ चिपक चिपक कर चल रहे हैं, तो वो सारी वीडियोज़ वायरल होती हैं, तो देखते ही हैं ये। इन सब चीज़ों की भी आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और चिपचिपी गर्मी, ये सारी चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इस टाइम पर नमक का सेवन ज़्यादा करिए, नींबू पानी ज़रूर पिए, रेगुलर बेसिस पे पीते हैं तो और अच्छी बात है, बट इस चीज़ का सेवन आपको ज़रूर करना है, नींबू का और पानी का खूब सेवन करना है आपने, ताकि आपको वो गर्मी का इम्पैक्ट ना ज़्यादा देखने को मिले। और इसके साथ ही बाढ़ वाली जो स्थिति है, वो तो मैं आपको बार बार बोल ही रही हूँ, और मैंने अपनी न्यू ईयर की वीडियो के अंदर ना आपके साथ शेयर की थी कि इस टाइम पर ना सब्जियां हैं जो वो महंगी होंगी। न्यू ईयर वाली प्रेडिक्शन में मैंने बोला था कि थोड़ा सा उन लोगों के लिए अच्छा है जो खेती बाड़ी करते हैं, और बाहर भी फूड सप्लाई होने के चांसेस आएंगे, मतलब ऐसी स्थिति बनेंगी कि बाहर भी फूड आपको सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं सुनने में आ ही रही होंगी कि बाहर से चीज़ें आ रही हैं सेम, और सब्जियों के रेट भी इस वजह से महंगे हुए हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, तो वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। महंगाई अभी आपको और बढ़ते हुए दिख सकती है,
तो सोच समझ के खाइए पिए। और खाना पीने के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जो फालतू के खर्चे हैं उनको थोड़ा सा कम करिए। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक को लेकर जो मेरी चीज़ें हैं, होने के चांसेस हैं ऐसे, ये मैंने अपनी ड्यूरिंग दी वर्कशॉप भी सजेशंस दिए थे कि हो सकता है कि आपको बिजली की जो उपकरण होते हैं वहाँ पर भी चीज़ें खराब होती हुई दिखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से बारिश और ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पर बिजली की जो खंभे वगैरह हैं वो गिरेंगे और ये सारी चीज़ें आपको सुनने में आएंगी, तो लाइट जाने के भी चांसेस बनते हैं। तो वो चीज़ें भी आप देखेंगे, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और काफ़ी सारे एरियों में आग की दुर्घटनाएं होंगी, और लाइट से जुड़ी, इंटरनेट से जुड़ी ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा सुनने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप सुनेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो बिजली की परेशानी है ना, ये आपको जो ज़्यादा सुनने को आएगी ये ऑलमोस्ट आएगी 20 अगस्त के बाद से, 20-21 अगस्त के बाद से आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। आप देखना आपके घर के आसपास भी, जैसे बिजली की तार की वजह से कुछ स्पार्किंग हो गई या आग लग रही है, या आप कह सकते हैं चार्जर ख़राब हो गया, बैटरी ख़राब हो गई, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है। फ़ोन के जो चार्जर हैं, रात को बंद कर कर सोएं, फ़ोन के चार्जिंग को लगा कर नहीं सोना है, पटने के चांसेस बनते हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। साथ में बड़े अग्निकांड होने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ 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 मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि रेड कलर को अवॉइड करना है, और प्लीज़ अपने आसपास चेक करते रहिएगा कि कोई भी अगर आपका जो बिजली का उपकरण है वो जो ख़राब है तो उसको तुरंत के तुरंत सही करवाइए। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। अब इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको अपने एक प्रश्न का आंसर मिलेगा, तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और जिन लोगों को भी पर्सनल पेड कंसल्टेशन चाहिए वो अपनी बुकिंग इस नंबर पर जो हमारा यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप बुकिंग करवा सकते हैं अपनी। और जो सूर्य का गोचर है 17 तारीख से जो चेंज होगा, उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरुजी टू ऑल ऑफ यू।